अपना बन रहा है। हम लोग पहनी है, इकट्ठा हो चुकी है। वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं ना ये ब्लॉग बहुत लेट शूट कर रहा हूँ, अभी दोपहर के बज चुके हैं 12, मतलब दोपहर हो चुकी है जो कि 12 बज रहे हैं अभी। तो फिलहाल अभी ना इसलिए लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से कुछ काम कर रहा था, जो कि आज 9 मार्च है, तो आज भैया का बत्तवान है इसलिए उसका तैयारी व्यारी सब हो रहा है, उसमें मतलब काम में बिजी था इसलिए नहीं कर पाया। तो अभी जो तैयारी जोरों शोरों से हो रहा है, देख सकते हैं पूरा एकदम ये डेकोरेशन हो चुका है और बाकी उधर डीजे का काम बस हो रहा है और इधर खाना वाना बन रहा है। तो ये जो घूम रहा है ना, ये सवल्ला बना हुआ है, इसने तो आज ही सवल्ला का ड्रेस पहन रखा है। खैर छोड़ो उसको, तो यार देख सकते हैं पूरा डेकोरेशन एकदम तगड़ा चल रहा है। इधर जो होगा बिरहा होगा और ऑर्केस्ट्रा होगा, तो देखा जाएगा रात में ऑर्केस्ट्रा और बिरहा दिन में सुना जाएगा। बाकी यार तैयारी हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं स्टेज लग रहा है। लोग आए हैं उनको ये बंदा लगा रहा है, पानी पिलाने का व्यवस्था कर रहा है उन लोगों के लिए, क्योंकि बुनिया का पानी फिलहाल पिलाया जा रहा है टेम्परेरी में, जब परमानेंट मतलब पानी अच्छे से। अभी भी ठीक से ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब काम ही में बिजी हूँ, तो काम करते करते अब ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये भैया बहुत गुस्से से देख रहे हैं पता नहीं क्यों, पर लास्ट में हंस दिए। और यहाँ पे लग रहा है गेट हो चुका है, मतलब लगभग हो ही रहा है, जो हमारा काम का था वो हम कर लिए हैं, अभी थोड़ा अभी फ्री हैं। तो आज तिलक भी है भगवान के साथ, तिलक भी है, तो आज डबल काम है। और आज हल्दी भी है, मतलब सब कुछ आज ही है, अब परसों भर आ जाएगा। तो इधर सब पियर पियर पहनी है क्योंकि आज हल्दी है इसीलिए। तो यहाँ पे सब लोग दीदी हमारी हैं और मम्मी हैं, तो सभी लोग पियर साड़ी पियर फ्राक सब लोग पहनी है। हम भी नहा लेते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है ज़्यादा। इधर ये सब अपना खा पी कर दूध देकर आराम कर रही है। गाइस हम नहा चुके हैं एकदम बढ़िया से, और अभी तो अभी होने जा रहा है हल्दी का कार्यक्रम। और यहाँ पे मम्मी उम्मी सब बुआ हुआ मौसी उसी सब इकट्ठा हो चुकी है। और ये बाहर का व्यू है, देख सकते हैं आप, इधर पूरा कुर्सी उर्सी लग चुका है बैठने के लिए। और यहाँ पे हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है पंडित जी द्वारा। तो हल्दी का कार्यक्रम और मंत्री पूजा हो चुका खत्म। अब चलते हैं विराह की ओर। यहाँ पे एक छोटा लड़का विराह गा रहा है, बहुत मस्त विराह गाया था। खैर मुझे विराह सुनने का आदत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। सुंदर गायिका रजनी गंधा जी के पिताजी की ओर से 200 रुपए पुरस्कार का चरण में कोट कोट से। प्रवीण भैया ये देखिए 1000 रुपए पुरस्कार है चरण में कोट कोट से, नमो उपस्थित सभी जन समूहों को प्रणाम लगे।
ये देखिए हमारे गुरु जी से बिरहा आप सब सुनेंगे, नीतू राज जी से।